अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एयरटेल एक्सट्रीम 4K सेट टॉप बॉक्स में किस तरीके से गूगल अकाउंट को साइन इन करना है उसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ तरीका अलग रहता है और मोबाइल पर हम जो साइन इन करते हैं उसका तरीका काफी अलग रहता है। तो इसी को लेकर इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारे लिए एयरटेल डिजिटल टीवी के नए 4K एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स के ग्राहक जुड़े हैं उन्हें आसानी से समझ आ सके कि हमें किस तरीके से यहाँ पर अपने गूगल प्ले स्टोर में साइन इन करना है ताकि हम जितने भी एप्लीकेशन हमें दी गई हैं उससे यहाँ पर इंस्टॉल कर सके। यहाँ का जो इंटरफेस है वो भी काफी आपको डिफरेंट यानी कुछ अलग तरीके से ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जारी ना करते हुए सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ, एक एक प्रोसीजर पूरे अच्छे से समझा देता हूँ और आप भी समझ कर यहाँ पर आसानी से अपने अकाउंट को साइन इन कर पाएंगे और बाद में जब मर्जी आप लॉग इन कर यहाँ पर जो है अपने सभी के सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीधा हम टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और आपको मैं दिखाने वाला हूं कि हम एयरटेल के एक्सट्रीम सेट टॉप बॉक्स में किस तरह से गूगल प्ले स्टोर पर अपने अकाउंट को शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ऐप्स एंड गेम्स पर, इस पर आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर जो है आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर भी आपको रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, साइन इन का और कैंसिल का। तो यहाँ पर आपको साइन इन पर रिमोट से ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही यहाँ पर जो है आपको साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो है आपको गूगल द्वारा दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि यूज़ योर फ़ोन और कंप्यूटर और दूसरा है आपका यूज़ योर रिमोट, यानी यूज़ योर फ़ोन और कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अपने जो आपका स्मार्ट बॉक्स का रिमोट है उससे भी साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का मेथड जो आपको अपनाना होगा। यहाँ पर जो है आपको इस तरह का कोड आपको भेजा जाएगा जिस पर आपको साफ बताया गया है कि आपको इस वेबसाइट यानी androidtv.com/setup पर जाना है और वहाँ पर जो है आपको उसी डिवाइस से आपको कनेक्ट करना है अपने गूगल आईडी को जिसमें आपने वाईफाई को कनेक्ट किया है अपने सेट टॉप बॉक्स से। और ये जो आपको कोड दिया गया है नीचे वो आपको मैं शो नहीं कर पाऊंगा, ये कोड जो है वो आपको अपने मोबाइल पर या फिर जिस पर भी आपने कनेक्ट किया है डिवाइस को अपने सेट टॉप बॉक्स से उस पर ऐड कर देना है। इसके अलावा सबसे ईजिएस्ट मैथड जो है वो दोस्तों ये है कि आपको यूज़ रिमोट से अपने अकाउंट को यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ से आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारे लिए लोडिंग लेगा और यहाँ पर जो है साइन इन का हमारे लिए गूगल अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे लिए जो है साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो है आपको अपनी ईमेल या फिर अपना फ़ोन नंबर डालना होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है फॉलोइंग करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट जो है प्रोसीजर करना है और यहाँ पर जो है आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और दोस्तों पासवर्ड डालने के साथ ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो कर देना है और यहाँ पर जो आपका लोडिंग होना शुरू हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे लिए जो है यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन होना शुरू हो चुका है, आपके सामने जो है वो इंटरफेस से लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो चुका है, जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी के सभी यहाँ पर जो है हमारे लिए शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर माई ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, गेम्स का ऑप्शन आ रहा है, होम का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी गेम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं सभी के सभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्राइम वीडियो का, जो भी एप्लीकेशंस आपकी एंड्रॉयड फ़ोन पर रहती हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आप चला सकते हैं जिसको भी आप चाहते हैं और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं और कुछ अपनी इच्छा से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको बीच बगी रेसिंग गेम डाउनलोड करनी है तो इस पर आप रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपको कुछ इसके फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, गेम में आपको किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन का, ऐड टू विश लिस्ट का और फ्लैग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे का देख सकते हैं इंस्टॉल पेंडिंग आ रहा है, यहाँ से जो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और यदि इस एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हैं इंस्टॉल तो यहाँ पर कैंसिल रिमोट से ओके प्रेस कर दीजिए, अभी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। बैक से जा सकते हैं रिमोट से और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को दूसरी चाहिए तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट अपने एक्सट्रीम बॉक्स में तैयार करना है, बनाना है, कई जो प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो आपका दिल चाहता है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पर उसके मज़े ले सकते हैं। धन्यवाद।